नाम मेहरा, पर मैं आपको बड़ी आसान टेक्निक से चिकन बनाना सिखाती हूँ। यार चिकन बनाने की रेसिपी सबसे ज़्यादा इजी होती है, बिकॉज उसमें कुछ नहीं करना होता। आपने बस दो आधा प्याज लेना, आधा किलो चिकन ले लेनी है। जो प्याज है उनको आपने बिल्कुल लाइट ब्राउन कर लेना, मीन्स के गोल्डन ब्राउन हो जाए। उसके अंदर आप लोग चिकन ऐड कर दें और लहसुन अदरक का पेस्ट, ये इसी के अंदर आपने अच्छे से अपने चिकन को भून लेना है जब तक कि वो वाइट वाइट ना हो जाए। उसके बाद आपने इसके अंदर डालने हैं गरम मसाले, लौंग, ज़ीरा और मोटी इलायची। उसे तोड़ के आप लोग आधे पीसेस में डाल सकते हैं। साथ में ही आप लोगों ने इसके साथ ग्रीन चिली ऐड कर देनी है, बिकॉज ये इतना अच्छा फ्लेवर देती है ना। जब आपको चिकन की परफेक्ट स्मेल आने लग जाए, मीन्स कि गरम मसाले और चिकन की वो जो मज़ेदार सी स्मेल होती है आपको फ़ील होने लग जाए, तो मीन्स आपका चिकन जो है वो अच्छे से भुन गया। इसके अंदर आप लोगों ने ऐड कर देना है टमाटर। आप चाहो तो पहले मसाले ऐड कर दो, चाहो तो पहले टमाटर। मैंने टमाटर पहले इसलिए ऐड किया बिकॉज अगर मैं इससे पहले मसाले ऐड कर देती तो मसाले जब हम भून रहे होते हैं ना तो कभी कभी उनके जलने का डर होता है। जब आपने गरम मसाले अच्छे से भून लिए हो, बिकॉज यार ये मसाले भी जलने का डर होता है। खैर इसी के अंदर मैंने ऐड कर देना है घर के मसाले, कोई बाहर वाला डब्बा कुछ ऐड नहीं करना है। इसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून रेड चिली ऐड करनी है, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करना है, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करना है, 1/2 टेबल स्पून हल्दी ऐड करनी है और 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करना है। आप चाहो तो सॉल्ट जो है वो फर्स्ट में चिकन भूनते हुए ऐड कर दोगे तो उसका फ्लेवर भी आपको बहुत ही मज़े का मिलेगा। सबसे इजी टेक्निक ये होती है कि जब आपका चिकन अच्छे से भून जाता है ना, मीन्स जब पानी और ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए और आपका मसाले की खुशबू आने लग जाए, तो वो एक परफेक्ट टाइम होता है और आपको समझ आती है ये परफेक्ट टाइम है और मेरा चिकन जो है वो अच्छे से भून गया और मसालों की जो खुशबू चिकन के अंदर ऐड हो गई है ना, ये इसको बाहर होटल से भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट दे देती है। फाइनली मेरा चिकन जो है वो तकरीबन मसालों को भून लिया गया था एंड फाइनली मैंने इसमें 1/2 कप ऑफ दही जो है वो ऐड कर दी थी। दही जो है ऐड करने के बाद आपने कोई भी पानी का ग्लास ऐड नहीं करना, बिकॉज ये खुद ही चिकन को गला देती है। फाइनली मेरी चिकन जो है वो पक गई थी, हम निकल गए थे बाहर के लिए। एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना वो ये है कि माँ बाप हमेशा फोकस करते हैं कि उनके बच्चे हर चीज़ खाएं, लेकिन उन लोग को ये नहीं पता होता कि बनाना कैसे है। मीन्स मैं ये नहीं कह रही कि कोई परफेक्ट नहीं बना सकता, बट कभी कभी आप लोगों को अपने बच्चों के पसंद के खाने बनाने चाहिए। एटलीस्ट मंथ में एक दफ़ा या वीक में एक दफ़ा अपने बच्चों की हर फेवरेट चीज़ बनाने की कोशिश करें। और अगर आप लोगों को अपने बच्चों को खाने के लिए मोटिवेट करना है, मीन्स कि वो खाना बनाएं, तो उनको बेइज्जत ना करें कि देखो फलाने की बेटी फलानी चीज़ बना सकती और तुम ये भी नहीं बना सकती और वो भी नहीं बना सकती। पता है जब मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया था तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। हाँ मेरी अम्मा कहती थी जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था चिकन की, तुम चिकन ज़ाया कर दोगी, बट मेरे बाबा ने कहा कि बनाओ। और जब मैंने बनाया था, लिटरली मैंने अकेले खड़े होकर बनाया था, मैंने किसी से कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं पूछी थी। मैंने नट खोला था, सिंपल सी रेसिपी ऐड की थी और भाई बना दिया था, और बगैर किसी कीड़े निकालने के या फिर ये कहने के कि इसमें नमक ज़्यादा है, इसमें मसाला ठीक से नहीं भुना हुआ, इसमें दही कम है, इसमें हरी मिर्चें हैं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक बात की कि बहुत अच्छा बना है और इनाम के तौर पर मेरे हाथ पे मेरे बाबा ने 500 रुपीज़ रखे। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों के बच्चे जो हैं वो आप लोगों के साथ अटैच हों, तो प्लीज़ अगर ऐसे वो कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें उनको मोटिवेट करें। खैर हम लोग जा रहे थे चेज वैली और अशोक के थोड़े बहुत कपड़े देखने के लिए, और जो मेरे चैनल पे नहीं हुआ मैं उनको बता दूँ कि मेरा एक बेटा है जिसका नाम अशोक है, परफॉर्मेंस का हुआ। फाइनली हम लोग पहुँच गए थे चेज वैली। अशोक के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद मैं घर आई। मैंने घर आके सबसे पहले अपने लिए नूडल्स बनाए।